This is an official channel of New Siddiq Public Montessori and High School. मेरा नाम उमारिश खान के मेजमाना की तालिबे हूँ। आज मेरी पेशकश का मौजू है बातचीत में जबानदारी का इस्तेमाल। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मुकालमा क्या होता है। मुकालमा बाहरी बातचीत और कलाम को कहते हैं, यानी एक दूसरे से गुफ्तगु को मुकालमा कहते हैं। मुकालमे में हम एक दूसरे के ख्याल, जज्बात और तासरात को पहचानते हैं। मुकालमा एक मुतय्यन मज़मून पर होता है। मुकालमा अपनी असली माहियत के लिहाज से जबानी होता है, तहम से तहरीरी शक्ल दी जा सकती है। मुकालमे में वाहिद कलाम करने वाले अशख़ास के लिए क्या खूबियाँ होनी चाहिए। नंबर एक, ज़ुहरो किरदार, यानी उसका किरदार। नंबर दो, नुक्ता नज़र। नंबर तीन, शख्सियत की गहराई। नंबर चार, ज़बान पर कुदरत। और नंबर पाँच, मसाइल को समझने की कुदरत। अब बातचीत में इंसान का जो किरदार है उसमें उसकी ज़हनी सतह, यानी वो किस तरह की सोच रखता है। नंबर दो, तबका की एहसास, यानी तबका मतलब कि जो हमारे माशरे के लोग होते हैं, छोटे बड़े मुलाजिम के जो भी हैं, सब कुछ तबका कहते हैं। तबका की एहसास, इल्म व मर्तबे, यानी वो शख्स किस मर्तबे पर है, उसको मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगु करें। शुक्रिया। Before discussing electronic configuration, let us first understand the concept of shell and subshell. The electron revolves around the nucleus in different energy levels is called shells, and energy level which exists on the shells is called subshell. अब हमने बताया कि हमने elements के electronic configuration कैसे बनानी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, K shell है। K shell के पास कितने electrons होते हैं, 2, and L shell के पास 8 and M shell के पास 18, N shell के पास 32. Third. केशर के पास एस सब शेल, एल के पास टू सब शेल्स होते हैं, एस एंड पी, एंड एम के पास थ्री होते हैं, एस पी एंड डी, एंड लास्ट एन हैज फोर सब शेल, एस पी डी एफ। नाउ एस सब शेल हैज टू इलेक्ट्रॉन्स, पी हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, डी हैज 10 एंड एफ हैज 14। Now the main topic of our presentation is electronic configuration. The distribution of electrons around the nucleus in various shells and subshells according to their unit energy is called electronic configuration. सबसे पहले हमने s subshell लिखने हैं, फिर हमने अगर हमने s subshell लिखना है two time, फिर हमने p subshell लिखना है, and s को हम again लिखेंगे, और इसको फिर हमने टू टाइम्स दोबारा से लिख लेना है, पी एंड एस को। एंड नेक्स्ट हमारे पास डी, उसके बाद हमने पी एंड एस को दोबारा से लिखना है, एंड फिर एफ, एंड फिर इन तीनों को हमने दोबारा से लिख लेना है। सबशेल को नंबरिंग दे दी है, एस सबशेल 1, 2, 3। ये सबशेल हमने ऐसे क्यों अरेंज किए हैं, क्योंकि हमें एनर्जी लेवल के मुताबिक सबशेल को अरेंज करना है। 4, 5, 6, 7 एंड 8। एंड हमने फिर पी को नंबरिंग दे दी है, पी को हम 2 से नंबरिंग देंगे, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। एंड हमने डी को 3 से नंबरिंग दी है, 3। हमने जो अरेंजमेंट किए सबशेल्स की, हमने पी शेल को सेकेंड नंबर से स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास जो पी सबशेल है ये सेकेंड सबशेल है। 3, 4, 5, 6 एंड हमारे पास लास्ट क्या है, एफ, और इसको हमने 4 से लिख दिए, सबशेल 4 सबशेल हमारे पास है, 4 एंड 5।
अब हमने इन इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है एस, तो किस स्ट्रक्चर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टू टू एंड पी स्ट्रक्चर के पास कितने थे? सिक्स थे, सिक्स एंड डी का वैलेंस कितने थे? टेन एंड एफ के पास 14 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। उसका हमारे पास हो गया है नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। हमने अब नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। हमने फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, 1s2 2s Thanks for watching.